अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर 2023 है। आज की वीडियो हमारी डोलमेन सिटी राइट के हवाले से। ये एक ऐसी कंपनी है जो रियल एस्टेट बिजनेस में काम करती है। तो आज की प्रेजेंटेशन में हम ब्रीफली इस कंपनी के बारे में जिक्र करेंगे और इसका बिजनेस मॉडल को समझेंगे और इसके बाद आखिर में हम इसकी अपना सजेशन या ओवरव्यू देंगे कि क्या आया इन्वेस्टेबल है या नहीं। आए प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। आज की प्रेजेंटेशन का एजेंडा 4 चीज़ों पर मुनसर है। बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल अनाउंसमेंट मतलब क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही है, रिजल्ट्स के बैलेंस शीट P&L क्या है और एक्शन पॉइंट। ज़्यादा आज की वीडियो में कुछ नहीं है, लेकिन मैं हाई लेवल पे एक मुख्तसर और मखसूस बात बताऊँगा जो कि ज़रूरत है, जो कि ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या नहीं करने के लिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा आज की वीडियो में। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करें, कंपनी करती क्या है। कंपनी एक रियल एस्टेट बिजनेस है, ठीक है। उसके पास 2 बिल्डिंग्स है, एक डोलमेन मॉल सिटी है जैसे कराची में और दूसरा भी कराची में हार्बर फ्रंट है। तो दोनों कराची में दोनों इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों की ओन बाय कोई एक ओनर ओन करता है, इसको इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ओन करता है और ये दोनों बिल्डिंग्स को की दुकानें या शॉप्स हैं ना, वो रेंट पे दी हुई है, उससे रेंट कमाते हैं और यही रेंट इनका बिजनेस है, बस और कुछ नहीं है। रियल एस्टेट बिजनेस में 2 किस्म के बिजनेस हो सकते हैं, या तो रेंटिंग पे या बाइंग एंड सेलिंग पे। अच्छा, रेंटिंग वाला थोड़ा स्टेबल होता है क्योंकि इससे सिर्फ रेंट आएगा और रेंट ही आएगा और कुछ नहीं होगा। बाइंग एंड सेलिंग में गेन ज़्यादा है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है, इनकम भी ज़्यादा है। तो मैं एक चीज़ रिमाइंड करूँ तो इनका बिजनेस सिर्फ रेंटिंग वाला है, तो इसलिए इनकी इनकम और स्टेबल है काफ़ी आगे। और जो कंपनी सिर्फ इसमें काम करी तो उनकी पूरी थ्रू आउट द ईयर और अपनी हिस्टोरिकली इसकी एक रेवेन्यू भी एक कॉमन होगा, मतलब एक कांस्टेंट होगा, प्रॉफिट भी कांस्टेंट होंगे। और लेकिन जो बाइंग एंड सेलिंग में करे वो काफ़ी ज़्यादा कमा रहे होंगे, खासकर पाकिस्तान मार्केट में जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी इसके ईयर एंड के अकाउंट्स तो नहीं आए, तो ये लास्ट ईयर का मैंने अकाउंट्स का स्टॉक एक्सचेंज से स्निप लिया हुआ है और जून के मेरे पास अकाउंट्स हैं, मैंने आगे डिस्प्ले किए हुए हैं। EPS की बात करें तो EPS साल साल बढ़ रहा है। 2020 में कम हुआ था क्योंकि 2020 का कोविड टाइम था, तो आपको याद होगा उस वक्त दुकानें वगैरह सब बंद थी और इस वजह से जो इनके पास जो टेनेंट्स है जो रॉन्ग शॉर्ट टर्म पे थे या जिसका टेनेंट कॉन्ट्रैक्ट इस पीरियड में ख़त्म हो रहा था 2020 में, तो इस वजह से इनके रेवेन्यू इफेक्ट किया और उनकी कॉस्ट इफेक्ट की। फिर इसके बाद बात की जाए डिविडेंड की, बात करें डिविडेंड के हवाले से अच्छा शेयर है, तकरीबन 18% सालाना देता है, थर्ड क्वार्टर पे देता है, कुछ आधा या 1 रुपया देता है, 10-12 रुपये का शेयर है। शेयर की वैल्यू पे ज़्यादा नहीं है लेकिन डिविडेंड के हवाले से अच्छा शेयर है। रेवेन्यू और प्रॉपर्टी की बात की जाए, इसके अकाउंट्स में जो प्रॉपर्टी इनके पास जो 2 बिल्डिंग है ना, उसकी मालियत 63 अरब है, 63 बिलियन, और इस 63 बिलियन पे तकरीबन 3 अरब कमाता है रेवेन्यू, कमो बेश 5% हो गया। अच्छा, रेवेन्यू जो भी रेंटिंग वाले बिजनेस में अमूमन तौर पर इससे ज़्यादा कमा नहीं सकता। अब इनके बिजनेस मॉडल का थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से, इनके बिजनेस मॉडल में काफ़ी रूम है इम्प्रूवमेंट का, जैसे कि इन्होंने सिर्फ शॉप रेंट आउट की हुई है, इसके अलावा ये प्रोमोशन बैनर्स वगैरह चलवा सकते हैं मॉल्स में जो कि नहीं नज़र आता, तो ये रूम है। ये मैनेजमेंट का पार्ट है कि मैनेजमेंट इसको सोचे और उस पर काम करे, जो कि फ़िलहाल नहीं है। एक ये एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट, इनके पास टेम्प्रेरी स्टॉल्स होते हैं जो मॉल के अंदर बीच में ही हाइपर स्टार में, ये डोलमेन मॉल सिटी में इनके नज़र नहीं आते, जो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे एडिशनल रेवेन्यू कमा सकते हैं, तो ये नहीं। इस वजह से इनका थोड़ा सा प्रॉफिट जो रेवेन्यू है वो सिर्फ तभी, इसका जो अर्निंग पर एसेट है वो 5% से ज़्यादा नहीं है। मैं समझता हूँ ज़्यादा होना चाहिए। इनके पास रूम है, मैनेजमेंट की के लिए इम्प्रूवमेंट पॉइंट है कि उस पर काम करे और प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ाए। बाकी कंपनी स्टेबल है, रेवेन्यू वाइज प्रॉफिट वाइज सब स्टेबल है क्योंकि रेंटल बिजनेस है, लॉन्ग रेंट कॉन्ट्रैक्ट पे दुकान है तो रेंट कॉन्स्टेंटली आता है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो मतलब इसके करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की बात अगर मैं करूँ ना, तो करंट एसेट तकरीबन 21 अरब है, 2.1 अरब है, 2 अरब है, और लाइबिलिटी की बात करें तो 839 मिलियन है, तो तकरीबन कम ऑलमोस्ट 3 टाइम है एसेट करंट एसेट, जो कि अच्छा इंडिकेशन है। बाकी एसेट की जो मैं बात कर रहा था, जो बिल्डिंग है उसकी 63 अरब है वैल्यू, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये बेसिकली 2 ही बिल्डिंग है और इसकी वैल्यूशन है, और इसके बाद इनके पास कोई कोई ऐसी लाइबिलिटी नज़र नहीं आ रही जो मैं जिक्र की जाए, कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, जो कि अच्छा इंडिकेशन है। ये सीधा बिजनेस मॉडल है। और यहाँ पे आप इसके P&L देख सकते हैं, इनकी रेवेन्यू ये क्वार्टरली मार्च क्वार्टर का अवेलेबल था, तो मार्च क्वार्टर का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं रेवेन्यू भी बड़ा कॉन्स्टेंट है। अगर आप यार एनुअल आएगा तो मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी आपको समझाने के लिए क्या कंपनी कर रही है। अच्छा, जो इस तरह की रियल एस्टेट बिजनेस होता है, जो कि एसेट अपना एसेट पे कमा रहा होता है, तो वो कंपनी अपने नैव मतलब नेट एसेट वैल्यू बताती है। तो अगर आज मिसाल के आज कंपनी को बंद करना पड़े ना, तो हर शेयर होल्डर को 29 रुपये पर शेयर मिल सकता है। बाकी डिविडेंड इसने सितंबर में अनाउंस किया, फुल अकाउंट्स नहीं पब्लिश किए, जो कि मुझे बड़ा वो लगा ही क्यों ऐसा नहीं किया, लेकिन 5% डिविडेंड दिया, 5% इस क्वार्टर पे दिया। अगर थ्रू आउट द ईयर देखे तो 18% बनता है टोटल ना, जो कि मेरे ख्याल में सही है। इनकी 10-11-12 रुपये वैल्यू है शेयर की। करंट प्राइस की बात की जाए तो ये 13.59 रुपये पे, ठीक है। मैं इस चार्ट को मैंने 5 ईयर पे इसको मैंने लगाया हुआ है। अगर हम 5 साल पीछे जाएं तो ये 12 रुपये पे था और आज ये 13 रुपये पे। अप्स एंड डाउन्स भी, कोविड टाइम पे नीचे भी आया, 9.5 पे चला गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कैपिटल गेन की वजह से ना, कैपिटल गेन नहीं है, जबकि रियल इस्टेट बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन फिर भी कैपिटल गेन नहीं मिल रहा, वैल्यू शेयर की नहीं बढ़ रही। इसकी 2-3 वजूहत हो सकती है। एक तो मैनेजमेंट एक सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रही, जिस तरह मैंने आपको इम्प्रूवमेंट पॉइंट बताया कि इन्होंने अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए। दूसरी चीज़, इनके पास कोई अदर इनकम नहीं है, इनके पास कैश या अदर इनकम नहीं है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है, क्यों नहीं है उस पर, क्यों मैनेजमेंट स्टेप नहीं ले रहा अदर इनकम कमाने के लिए। तो इसी वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिप्रेस है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें एसेट्स डाला हुआ नहीं है पैसा, मतलब म्यूचुअल फंड्स के भी अगर आप देखें तो बहुत रेयरली किसी 2-3 म्यूचुअल फंड्स ने डाला हुआ, अदरवाइज नहीं डाला हुआ। बाकी ये कि वॉल्यूम इसका कम रहता है, ठीक है, और शेयर भी सस्ता है, इतना महंगा शेयर भी नहीं है। आगे एक्शन पॉइंट की बात करें, मैं अपनी अगर बात करूँ ना, मेरे हिसाब से डिविडेंड अगर जिसने सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड कमाना है ना, तो बहुत अच्छा शेयर है, लेके बैठे हर क्वार्टर पे डिविडेंड लाजमी देता है और देता है और देगा भी। और अगर अपने पोर्टफोलियो की बात की जाए, मैं हमेशा ऐसे शेयर को एक्सपेक्ट करता हूँ और ऐसे प्रेफर करता हूँ, ऐसे शेयर को जो वैल्यू में भी गेन दे। ये आप देखें ना, 5 साल में अगर इस शेयर ने 5 साल में 10 से, अभी डिविडेंड की वजह से ऊपर आया हुआ है, 10 से 13 पे गया, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई एक बहुत अच्छा शेयर हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कोई और बहुत अच्छे ऑप्शन है। लेकिन अगर किसी को सिर्फ डिविडेंड लेना है हर और वैल्यू की फिक्र नहीं करनी, तो इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छा शेयर है इस हिसाब से। कांस्टेंट डिविडेंड, कांस्टेंट रिटर्न्स हैं, इनकम भी कांस्टेंट है, गवर्नमेंट की कोई इस तरह की रेगुलेशन नहीं है जो रियल एस्टेट पे इफेक्ट करे, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है डिविडेंड के पॉइंट से। बाकी अगर दैट्स इट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला अफजाई होगी। इंशाल्लाह मजीद इस तरह की अच्छे शेयर्स पे वीडियोस बनाऊंगा, ना कि सट्टेबाज वाले शेयर्स पे जिसमें से वो लोग बाय सेल वार्न करते हैं, ऐसे शेयर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट हो, कुछ बात हो, तो आप लाजिम पूछें, इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।